था मैनू कोई दसदा नहीं, मैं ता लाया बड़ा दिल कितने लगदा नहीं। तेरे रंग दारा मिले सितारा वे यारा, तेरे बिन मैं ता सारा वे रंग सजना। मानदा नहीं ये दिल तेरे लिए हर पल तेरी। एक बार यहाँ पर चंदन पारेख यूपी में आया हूँ, यूपी में शोभित और प्रियंका के इस विवाह नामे, आइए सुनते हैं उनके चाहने वालों से उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं। शोभित सबके लिए बहुत ही केयरिंग है, शोभित मेरा बहुत ही प्यारा है लड़का, बहुत सम्मान करता है सबका। हैप्पी मैरिज का सबसे बड़ा राज क्या है? साइलेंस, चुप रहना। हमारी और तुम्हारी मौसी की तरफ से, मौसी की तरफ से भी बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं यही बधाई देती हूँ कि मेरा बेटा दिन दूना रात चौगुना इतनी तरक्की करे कि सिद्धार्थ नगर से लेके पूरे जो पूर्वांचल का एरिया है वहाँ पे सिर्फ मेरे बेटे का ही नाम हो। आपने ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और यहाँ तक कि मैं करीना कपूर नाम तो सुना ही होगा, बट इन तीनों को मिला दो और उनको नखरों को और दो टाइम बढ़ा दो तब जाके आती है सौंदर्य। बड़ा ही सुंदर सा दिल है इनका और बड़े ही तेज है, याद रखना। आप में और शोभित में समानताएं क्या क्या है? समानताएं क्या है? केयर करना, रिस्पेक्ट करना। भैया को इतनी अच्छी भाभी मिली है कि कोई बात नहीं। अच्छा, और भाभी को अच्छे भैया नहीं मिले हैं? हाँ, भाभी को अच्छे भैया मिले। अरे भाभी को सर्वश्रेष्ठ एकदम राम जैसे भैया मिले। आपको फीलिंग ही नहीं आ रही हमको देख के? एक मैडम, मैं फीलिंग में आ रहा हूँ। केशु, मेरा लाल, हम सबकी जान है और बहुत ही अच्छा लड़का है। वो बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा लड़का है। शोभित भैया सारे हमारे मासियों में सबसे अच्छे भैया हैं और मतलब सबको एंटरटेन करते हैं, सबको घुमाते हैं और मजे कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, मामी को इतना छेड़ते कि मामी बीच में परेशान हो जाती है, बट ना हो, एवरीथिंग इज गोना बी ओवर बिकॉज हमारी अब भाभी आ चुकी हैं। तो गॉड ब्लेस टू भैया एंड भाभी, टू बोथ ऑफ देम, एंड वी विश दैट ऑल द हैप्पीनेस कम इन देयर वे। थैंक यू। क्या भाभी अच्छी लगती है? भैया अच्छे लगते हैं? भाभी तुझे आए इधर पकड़ क्योंकि पूरा परिवार यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आइए अब भाभी जी सुनते हैं कि वाई सी शो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड दैट फैमिली, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस? दोनों फैमिली है रीजन। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आपकी फैमिली की सबसे स्पेशलिटी क्या है? ध्यान सुनिएगा, आपकी फैमिली की ऐसी स्पेशल बात जो आपको बहुत अलग लगती है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, वो क्या है? हम सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बहुत हैप्पीली रहते हैं। एंड अब जो शोभित का जो परिवार, जो अभी आपका परिवार है, उनके बारे में आप क्या कहो? सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत मतलब मेरा बहुत केयर करते हैं, फील नहीं होता कि हम अपने घर पे नहीं हैं। और शोभित के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? एवरीवन, ही इज अ गुड लिसनर, मतलब जो भी अगर मेरा टेंपर भी हाई रहता है, कुछ भी बोलते जाते हैं ये सुन लेते हैं, कभी मतलब उस पे मतलब मेरी बात सुन लेते हैं। बात समझ रहे हो? शोभित तो हम बचपन के फ्रेंड हैं और शोभित काफ़ी अच्छा लड़का है यार। लोग बोलते हैं बड़ा केयरिंग है, केयरिंग तो है, लेकिन उसके साथ साथ ना एक उसका दूसरा पहलू भी है जो वो ना बहुत सिंसियर भी है चीज़ों को लेकर के, और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से फैमिली रही है। अपने लोग का एक चीज़ है हमेशा से कि दोस्ती में दिमाग नहीं चलाना, तो उसी की वजह से हम लोग की आज तक की दोस्ती, मतलब सोचो 15-20 साल के तो हम लोग दोस्त हो चुके हैं आई गेस, और होपफुली कि हम लोग ऐसे ही जब तक लाइफ रहेगी तब तक चलने वाले हैं। बॉस हमारे बहुत अच्छे हैं, सबकी केयर करते हैं जितने भी दोस्त हैं, और बॉस के लिए बस इतना ही कहेंगे, वो बहुत ही अच्छे हैं। विद मेरा 9 से दोस्त है और बेशक हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक भाई की तरह मेरे साथ खड़ा रहता है सुख दुख में, और कहीं भी अगर कोई मुसीबत रहता है तो मैं पहले उसी को फ़ोन करता हूँ, कहीं भी कुछ भी बात हो हमेशा अच्छा सजेशन देता है और एडवाइस भी बेस्ट देता है, मतलब मेरी लाइफ में बेस्ट पर्सन के तौर पर एक इंसान है मान लीजिए। और भाभी जी के लिए मैं ये कहूँगा कि भाभी जी को तो मैं नहीं जानता इतना अच्छे से, लेकिन देख के जोड़ी दोनों की बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे कपल लगेंगे और दोनों बहुत सुंदर लगते हैं देख के। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि उसके शादी के लिए मैंने बहुत ही सीरियस बहाना बताया हुआ है कंपनी को,
जॉइंटिस, टाइफाइड एंड बॉडी रिएक्शन, और जिसमें इन्होंने मेरा पूरा रिपोर्ट बनवाया हुआ है। इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। टीम की खूबियाँ वो क्या लगती है जो काफी अलग? सर बच्चे बहुत बढ़िया, अच्छे काम करने वाले, अच्छे प्रोफेशनल लोग, प्रेजेंटेशन है, जो भी चीज आप एडिट करके प्रेजेंट कर रहे हैं वेरी गुड, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा। अच्छा, आपको उसी दिन शूट करके उसी दिन आपको दे देते हैं, ये आपको अजूबा नहीं लगता है? अजूबा लग रहा है, बहुत ज्यादा अजूबा लग रहा है, वो भी इतना ज्यादा एडिट होके इतना अच्छा।